निकल जाता है। हाँ, खूब ज्यादा पका हुआ है तो वो मीठा निकल रहा, नहीं तो। ये आप देख रहे हैं ये वाला अंगूर, चलिए हमको तो नहीं पता है, आप ही लोग के साथ जा रहे हैं। प्राचीन मूर्ति सब है, भूत का यहाँ पे पूजा होता है, भूत का मंदिर है, आप देख सकते हैं, श्री भूतेश्वर स्वामी। आगे बताइए टेस्ट कैसा है। जय हिंद जय श्री राम दोस्तों, चलिए मैं आज आपको कुछ अलग ही चीज़ दिखाने वाला हूँ। मैं भी पहला बार देखने जा रहा हूँ तो आपको भी दिखाता हूँ। अभी समय हुआ है 5:10 और यहाँ से मैं जा रहा हूँ वो चीज़ को देखने, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। जहाँ रह रहे थे वहाँ इस प्रकार का माहौल है, इस प्रकार का फ्लैट और बिल्डिंग्स है, देख सकते हैं इस प्रकार का फ्लैट्स और बिल्डिंग्स। कुत्ता आ गया है, हाथ को मेरा खाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे तो आ गए लेकिन यहाँ से हो गए कंफ्यूज, तो यहाँ पे देखिए कि आए हैं भाभी और बता रहे हैं कि हेलो हेलो, चलिए तो रास्ता बताइए किधर है वो चीज़ अंगूर वाला। चलिए सीधा। हाँ, तो चल रहे हैं, आपको आज दिखाते हैं कुछ खास चीज़। यहाँ जो बिल्डिंग बनता है सारा मटेरियल यहाँ पे गिरता है, वही तो कचरा कचरा लग रहा था। सब बिल्डिंग सब बना बना के इधर ला के फेंक दिया ना। रास्ते में चलते चलते मुझे एक मंदिर मिला था, आपको दिखाते हैं। आकृति देख करके आप कहेंगे भाई ये कैसा मंदिर है, देखिए इधर, देखिए इधर आप देख सकते हैं जी, ये भूत का यहाँ पे पूजा होता है, भूत का मंदिर है, आप देख सकते हैं। उधर जो बोर्ड में लिखा हुआ है उसमें तो दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बोर्ड है, बोर्ड को स्कैन करते हैं, यहाँ देखिए इसमें क्या लिख रहा है, श्री भूतेश्वर स्वामी, ये मंदिर है और इस प्रकार से पूजा होता है। अंदर में तो बहुत कुछ होगा लेकिन अंदर नहीं जाएंगे हम, चलते हैं आगे, जो देखना था वही देख लेंगे, नहीं तो भूत धर लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छा चलिए लेके चलिए, हमको तो नहीं पता है, आप ही लोग के साथ जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कि जो सांप का बिल का पूजा होता है, इधर देखिए ये भी सब चीज़ इधर होता है कर्नाटक में। चलिए आगे चलते हैं, क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। पूरा इधर जंगली एरिया है, थोड़ा सा बिल्डिंग्स इधर आ गए ना तो जंगल वाला एरिया मिल रहा है। तो गणेश भगवान का है, पीपल का पेड़ है। हाँ पीपल का पेड़ तो है, गणेश भगवान का मूर्ति है, इस प्रकार का मंदिर है, यहाँ पे पेड़ है। ये नाग भगवान का है वो, हाँ इधर तो पूरा नाग भगवान का है। नाग भगवान, ये नाग भगवान का मूर्ति है, इधर भी वही चीज़ है, सब प्राचीन मूर्ति सब है। तो दोस्तों आ गए हैं यहाँ पे वो चीज़ आपको दिखाने के लिए, आपको दिखा रहे हैं अंगूर का खेती। ये देखिए अंगूर का पौधा है, ओ हो ये देखिए, ये देखिए, ओह माय गॉड, तोड़ा जाए क्या, देख कैसा तोड़ा जाए, तोड़े खा के बताइए। ओए तो ब्लैक वाला, इसमें बिया है मोटा मोटा, इसमें बीज होगा, ज्यादा मत तोड़, नहीं तो देख लेगा। मीठा है। अच्छा ये पूरा सुकड़ गया, आप खा के बताइए, खाइए, खाओ। आज वाला मीठा है, मीठा है, बिया है अंदर में। ये देखिए यहाँ ग्रीन है, अरे ब्लैक होने वाला है। तोड़ थोड़ी रहा, वीडियो बना रहे। अच्छा बच्चू। बहुत सारा है।
खट्टा भी है। थोड़ा अंदर में चलते हैं। ये सब जो अंगूर है ना, ये आप देख रहे हैं, ये वाला अंगूर, वाह, ब्लैक वाला बीज वाला, ये इसके अंदर बीज निकलता है खाने के बाद। खट्टा वाला है, मीठा बहुत कम। यही दिखाने के लिए लाए थे। देखिए ये जो इसका पौधा उधा है ना, ये बार बार नहीं लगाया जाता, एक बार बहुत पहले शायद लगा दिया गया है। आप इसके टहनी को देख के पता लगा सकते हैं। और इसके बाद ये मोटा होता जा रहा है और इसमें हर साल फरता होगा। ये काला वाला अंगूर नहीं, इसको कुछ और बोलता है शायद, है ना, कुछ और बोलता है ना इसको, पता नहीं निकल जाता है। हाँ, खूब ज़्यादा पका हुआ है तो वो मीठा निकल रहा, नहीं तो कच्चा है। ये देखिए ये ग्रीन वाला, क्या खा रहे हैं? गोभी मंचूरियन, यहाँ का फेमस है। यहाँ पे यही मिलता है, ये तो यही फेमस होगा ना। चलिए हम भी एक पीस खा लेते हैं। एक पीस क्यों, और खाइए, ज़्यादा खाइए। फिर आप लोग क्या खाइएगा? तो कितना ये वही ना, कितना एक तीन 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 एक ऑरेंज वाला देगा? नहीं नहीं वही दीजिए। हाँ, क्या कर रहे हैं? पांच उंगली में बचपन का याद ताजा कर रहे हैं। सही बात, बचपन में हम लोग फोफी खाया करते थे ना, पांच उंगली में ऐसे लगाकर, ऐसे 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 करने से कभी गिर ना जाए। ये नहीं, पहले खा लीजिए, खा लीजिए। नहीं ऐसे ऐसे इस तरह से। आगे बताइए टेस्ट कैसा है? हम भी आ जाते मेरा भी है। ये यही डाल देंगे। यही मेरा भी है कि मेरा भी ये पैकेट है। हाँ। इस तरह हम लोग बचपन में खाया करते थे, पांच उंगली में लगा के। तो हम भी खा लेते। अब हम भी खाएंगे, बड़ा टेस्टी लगता है। चलिए चलिए खाइए, चलिए खाते, चलिए एंजॉय कीजिए। तो घूम करके उधर से सब कुछ देख करके आ चुके हैं घर में, और अब तो कुछ करना नहीं है, तो खाना पीना खाएंगे, सो जाएंगे। तो दोस्तों, और इन्फेक्शन वाला ये जो चीज़ है अब ठीक हो रहा है, मतलब इन्फेक्शन है सनबर्न वाला, अब ठीक हो रहा है। थोड़ा थोड़ा और है, शायद एक से दो दिन और रहेगा पूरा क्लीन होने में। तो एक से दो दिन और यहाँ पे रुकूंगा, उसके बाद राइड को स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, बाय।